वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। आज मैं टाटा विक्टा का सर्विसिंग करूंगा और इस वीडियो में मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं कि सर्विसिंग में क्या क्या काम होता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से काम किया जाता है। ये इंजन में मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा ऑयल किस जगह पे रहता है और ऑयल का क्या काम है। ये मैं सर्विसिंग करूंगा इसका और मैं इसमें दिखाऊंगा सर्विसिंग में क्या क्या प्रोसेस है। ये देखिए, और अब इसका मोबिल फिल्टर खुलेगा। ये मोबिल फिल्टर है इसका। मोबिल फिल्टर उसका निकल गया। कई यार फिल्टर खुल रहा है। ये आपका डीजल फिल्टर है। अब मैं इसका टाइमिंग बेल्ट देख लेता हूँ। ये टाइमिंग बेल्ट है और ये टाइमिंग बेल्ट भी चेंज हो जाएगा। ये टाइमिंग बेल्ट में चेंज कर रहा हूँ। टाइमिंग बेल्ट खोल दिया। देख रहे हैं बेल्ट खुली है। अब इस पर न्यू बेल्ट डाल दूंगा मैं। देखिए सारा खुला हुआ। इंजन का स्थिति देख रहे क्या हाल है। ये इसका टाइमिंग बेल्ट आया हुआ है। अब इसको मैं सेट कर दूंगा। फ्रेंड्स, इसका न्यू बेल्ट मैंने लगा दिया, टाइमिंग बेल्ट। ये उसका न्यू डीजल फिल्टर है।
ये इसका हो गया है डीजल फिल्टर सेट। अब मैं इसका ये निकालूंगा। दोस्तों ये हब मैं इसका अंदर का सारा ग्रीस निकाल दिया, बैरिंग निकाल दिया। देखिए बैरिंग सारा स्विच कर गया था, ये बैरिंग सारा मैं खोल दिया हूँ। बैरिंग कौन सब अलग है वेल सील, और अब इसमें मैं न्यू बैरिंग डालूँगा, दोनों में न्यू बैरिंग डाल के ग्रीसिंग करूँगा। और किस तरह से कौन को इसमें बैठाया जाता है वो भी मैं आप सबको दिखाऊँगा। ये न्यू बैरिंग है, न्यू बैरिंग आया हुआ है दोनों का। कौन को इस तरह से बैठाना है, के ऊपर में रख के इसको। ये पुराना वाला कोन है, न्यू कोन देखिए इस पे बैठ गया। इसी तरह से एक कोन को बैठाना है। अब मैं ऊपर वाला कोन दिखाऊंगा, ये देखिए यहाँ खाली है। अब यहाँ पे न्यू कोन में डालना किस तरह से, एक पुराना कोन इसका भी ले लीजिए तो उसके ऊपर रख के आपको। ठीक है, आराम से बैठ गया, अब इसको बैठाऊंगा मैं। फ्रेंड्स ये ग्रीस का जो कलर है इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये गंदा ग्रीस नहीं है, ये न्यू डब्बा का है ग्रीस, पर आपको ब्लैक दिख रहा है। बैरिंग को बैठा के आपको इसके ऊपर बड़ी से डालना है, ये दोनों यहाँ भी मैं रख लूँ से। दोस्तों मेरी सिल ये दोनों जाके गाड़ी में फिटिंग होगा, यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं जाके वहाँ फिट करूँगा।
एक कट वॉशर है यहाँ देखिए, यहाँ इसका घाट बना हुआ है इस जगह पे, इसको इस पे बैठाना है इस तरह से, ये लॉक हो गया पेपर से। दोस्तों इसको फुल टाइट करना है, एक पिन जो यहां डालना है। ये कप पे आपको पैकिंग लगा के उसमें ग्रीस डालना है, ऐसे ग्रीस भर देना है। तो ग्रीस डालने के बाद यहाँ पैकिंग करना है। फ्रेंड कैलिबर का ब्रेक पैड मैं चेंज कर दूंगा, ये ब्रेक पैड ये कैलिबर थोड़ा सा ग्रीसिंग करके ब्रेक पैड चेंज कर देना है। अब ये ग्रीस आपको इस पर देख रहे हैं, ओके इस तरह से फिटिंग होगा। इसका बोल्ट क्या और एक नीचे है, वन स्टार हब लगा दिया मैंने और कैलिबर भी फिट कर दिया। ये आपका इसमें न्यू ब्रेक पैड लगा दिया। फ्रेंड आप न्यू ब्रेक पैड लगाने से पहले इसको कैलिबर को एक बार ग्रीसिंग करा लें। अगर आप ग्रीसिंग नहीं कराएंगे तो आपका ब्रेक तो लगेगा लेकिन रिलीज नहीं होगा, इसलिए ग्रीसिंग ज़रूरी है। ये आपका गियर बॉक्स में ऑयल डला रहा है, ये देखिए कहाँ डर, ये उसका डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल में ऑयल भरा हुआ है पूरा, ये डिफरेंशियल ऑयल भी चेक हो गया। ये देख रहे हैं डिफरेंशियल टाइट हो गया है इसमें। अब ये पॉपुलर शॉप मैं चेक करने के लिए आया था, पॉपुलर शॉप बिल्कुल ठीक है, ये सापट भी ठीक है, ये सारा चेक हो गया है। देख रहे हैं ये ठीक है। अब मैं पीछे चक्का खोलूँगा, इसका भी चेक कर लेता हूँ। दोस्तों पीछे चक्का का ब्रेक शू बिल्कुल ठीक है और बाकेट भी लीकेज नहीं है, ये पीछे चक्का मैं खोला हूँ हो गया, चेक कर लिया मैंने और इसका भी अच्छा से काम कर दिया, दोनों साइड का चक्का कंप्लीट हो गया हमारा।
स्किप लगा, ये आपका इंजन ऑयल इसमें टॉप अप हो रहा है। इंजन ऑयल डला गया है और अब इंजन ऑयल डला गया है और ये आप स्टीयरिंग ऑयल है, ये को भी चेक कर लीजिए, स्टीयरिंग ऑयल भी ठीक है। और यहाँ का ब्रेक ऑयल, इस पर ब्रेक ऑयल लगता है, आपको ब्रेक ऑयल भी चेक कर लेना, देखिए ब्रेक ऑयल भरा हुआ है। और यहाँ क्लच ऑयल है, आपका क्लच ऑयल भी भरा हुआ है। तो इंजन का सारा हो गया सर्विसिंग, देखिए सारा काम हो गया, आपका एयर फिल्टर लग गया, मोबिल लग डला गया, इधर कूलेंट डाल दिया है, सारा हो गया। दोस्तों गाड़ी का फुल सर्विसिंग हो गया है, ये सारा मैं कर दिया, अब आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊंगा। गाड़ी स्टार्ट करो कर, ये आप देख रहे हैं मैं पूरा अच्छे तरीके से सर्विसिंग कर दिया गाड़ी का, सारा काम ओके हो गया है हमारा। तो फ्रेंड सर्विसिंग ये सारा आपको करना पड़ता है, वीपीएन का पैसा सर, ये आपका फुल सर्विसिंग हो गया है। दोस्तों आप सबने देखा सर्विसिंग में क्या क्या काम हुआ, सारा ऑयल चेक हो गया, ब्रेक का काम हो गया, चक्का सर्विसिंग हो गया। तो दोस्तों सर्विसिंग इसी तरह से किया जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं दोस्तों इंटरेस्टिंग कोई न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।